नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज इस नई वीडियो में हम आपको गर्भधारण में हो रही देरी के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो कहीं मत जाए, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मां बनने का सुख हर स्त्री के लिए बेहद खास पल होता है। ऐसे में यदि उसे यह सुख न मिल पाए या देरी हो तो चिंता होना अनिवार्य है। इसलिए किन्हीं कारणों से यह रुकावट आती है या स्त्री सुख को भोग नहीं पाती, हम उस विषय में आज बात करेंगे। आज हम इस विषय को जानकारी रूप में सामने रखते हैं कि क्यों होती है प्रेगनेंसी में देरी। सही डॉक्टरी सलाह भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि कुछ एहतियात, या यूं कहें कि कुछ हमारी गलतियां ऐसी भी होती हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी में देरी आती है, जिसमें पहला कारण है अधिक उम्र। अधिक उम्र होने पर या लेट प्रेगनेंसी कंसीव करने पर भी यह दिक्कतें आती हैं। इसलिए उम्र के सही समय पर ही गर्भधारण कर लें। बढ़ता मोटापा, शरीर में बहुत अधिक फैट होने पर भी यह समस्या आती है। तनाव तो ले ही नहीं, क्योंकि तनाव आपके न केवल हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है बल्कि आपकी अंदरूनी क्षमता को भी कम कर देता है। थायराइड, महिलाओं में थायराइड की समस्या आज के समय में आम हो गई है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें कि आपको थायराइड ना हो। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, महिलाओं में स्पर्म की मदद से बच्चे का जन्म होता है। ऐसे में अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो स्पर्म प्रॉपर तरीके से अंडाशय या यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, जिससे यह दिक्कत आती है। पीसीओडी की समस्याएं भी आजकल आम बात हो गई है, जिससे एग फर्टिलाइज नहीं होते। यूट्रस में भी किन्हीं प्रकार की गड़बड़ियां होने से या स्वेलिंग, गांठ जैसी चीजें होने से भी बच्चे में देरी होती है। आहार में भी कमी आपकी गर्भधारण की स्थिति को गड़बड़ कर देता है, क्योंकि अच्छा भोजन ही अच्छे जन्म बच्चे को जन्म देता है। सिस्ट के कारण भी महिलाओं में जन्म में देरी आती है। यह ऐसी गांठ होती है जो यूट्रस के अंदर या यूट्रस के मुंह पर होती है। बहुत अधिक शरीर को एक्सरसाइज देने से या बहुत अधिक जिम, ट्रेनिंग, रनिंग, जंपिंग करने से भी यह दिक्कत आती है। पुरुषों में कमी, कई बार महिलाओं के नहीं बल्कि पुरुषों के कारण ही महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती, इसलिए पुरुष भी अपने स्पर्म काउंट को समय समय पर चेक करवाते रहें। अधिक दवाइयां, मेडिसिन, नींद की गोली, ब्लड प्रेशर जैसे कई ऐसी बीमारियां हैं, या आप आमतौर पर अगर बहुत अधिक दवा का सेवन करते हैं तो भी यह दिक्कत आपको आती है। अगर आप इस विषय से जुड़ी अन्य जानकारी चाहते हैं या और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं विभिन्न क्षेत्रों की, तो हमारे चैनल प्रतिभा वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।